ईरान और इसराइल के बीच जारी तनाव में अब एक नया मोड़ आ गया है, और अगर यह खबर सच निकली तो इसराइल के लिए कसे काले दिन से कम नहीं माना जा सकता है। दरअसल ईरान में भूकंप आने की खबर है, लेकिन अब इस बात से दुनिया हैरान है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है या उसके एक खास इलाके में सच में कोई भूकंप आया भी है। ऐसा लेकर दुनिया भर में कयासों का बाजार गर्म है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 बताई जा रही है, लेकिन सवाल है कि जिस इलाके में भूकंप बताया गया, दरअसल वहां भूकंप बेहद कम स्थिति में ही आता है, और यहां सालों पहले ही ऐसी स्थिति हुई थी। यही वजह है कि सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। कहा जा रहा है कि प्राकृतिक भूकंप के दौरान जिस तरीके की लहरें जमीन में उठती हैं, ये लहरें वैसी थी ही नहीं, बल्कि ये लहरें ठीक वैसी थी जैसी कि परमाणु विस्फोट के बाद जमीन पर चलती हैं। दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट और वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है। इसके पीछे का वैध कारण है कि ना तो भूकंप के बाद कोई आफ्टर शॉक आया और ना ही भूकंप की गहराई नीचे तक है, यानी धरती के ऊपर किसी कारणवश ही भूकंप जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। बता दें कि आमतौर पर प्राकृतिक तौर पर भूकंप आने के बाद कई आफ्टर शॉक आते रहते हैं, भले ही इन आफ्टर शॉक्स की तीव्रता बेहद कम ही क्यों ना हो। ऐसे में अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है तो वह इसराइल और उसके अन्य दुश्मन देशों के लिए खतरे का संकेत है। साथ ही इस कार्य के माध्यम से वो इस बात की धमक भी दिखाना चाहता है। अब सवाल है कि अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण किया तो क्या इसकी खबर दूसरे देशों को नहीं लग सकी है? क्या ईरान के पास परमाणु परीक्षण करने की क्षमता भी है, और क्या उसके पास परीक्षण से जुड़े ईंधन पर्याप्त मात्रा में है? एक सवाल हो रहा है कि आखिर अगर यह सच साबित हुआ तो अंजाम क्या होगा। तो बता दें कि परमाणु परीक्षण जैसी गतिविधियां सैटेलाइट की नजरों से ओझल नहीं हो सकती हैं, और ईरान के पास भले ही परमाणु परीक्षण करने की क्षमता अपने बल पर ना हो, लेकिन अंदेशा रूस पर ज्यादा है। अगर परमाणु परीक्षण होने के पूरे सबूत मिले तो इससे अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है। इसराइल और अमेरिका भड़क सकते हैं, जिससे तनाव और बढ़ सकता है। ईरान की तरफ से परमाणु परीक्षण को लेकर फिलहाल कोई बयानबाजी तक नहीं की गई, न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खबर का खंडन किया गया है। बहरहाल इस पर इंतजार तो करना ही होगा, और समय बताएगा कि आखिर ईरान ने किया क्या है। क्या वास्तव में उसके इस इलाके में कोई भूकंप जैसी चीज उत्पन्न हुई, या फिर ये जानबूझकर ईरान ने अपनी धरती को कपा दिया है। और इसके बाद देखना दिलचस्प हो जाएगा कि इसराइल और अमेरिका से क्या रुख देखने को मिलता है। बहरहाल इस खबर में फिलहाल इतना ही। कि तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।